दिल्ली में आप पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाएं खत्म हुई तो हरियाणा में कांग्रेस के चार उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा में चार उम्मीदवारों के नाम होल्ड पर रखे थे और ये माना गया कि दिल्ली में आप पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही है, जिसके चलते इन नामों को होल्ड पर रखा गया है कि अगर हरियाणा में गठबंधन की संभावनाएं बनती हैं तो यहां पर वो समीकरण साधे जा सकें। लेकिन अब ये तय हो गया है कि दिल्ली में आप पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, लिहाजा हरियाणा में भी हिसार, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और करनाल सीट को लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार तय होने की खबर आ रही है। खबर है कि करनाल में कांग्रेस ने अपने पहले पसंद के उम्मीदवार के तौर पर कुलदीप शर्मा का नाम तय कर लिया है। इसके अलावा हिसार में भव्य बिश्नोई, जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उनके नाम को लेकर कुलदीप बिश्नोई पहले ही दावा कर चुके हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने हरी झंडी दे दी है। इन दो नामों के अलावा कुरुक्षेत्र को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि यहां पहले से स्वाभाविक उम्मीदवार नवीन जिंदल निजी कारणों का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, ये खबरें आई। लेकिन यहां पर क्या नया चेहरा होगा या फिर नवीन जिंदल ही चुनाव मैदान में ऐन वक्त पर उतर जाएंगे, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बात सोनीपत सीट की तो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम चर्चाओं में है। उनके खेमे के समर्थक विधायकों ने यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का दावा पेश करते हुए उनकी दावेदारी पर आलाकमान पर जोर देने की बात कही और उसके बाद से ये समीकरण बनकर उभरा कि सोनीपत सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने यहां पर इस सीट पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में जब नाम घोषित होंगे तो कोई चौंकाने वाला नाम भी देखने को मिल सकता है। यानी इन चार सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने नाम तो तय कर लिए हैं, लेकिन उम्मीदवारों का नाम वो कब तक तय कर लेंगे, कब तक रिलीज जारी हो जाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जबकि 23 तारीख को हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन होगा, लिहाजा माना जा रहा है कि उससे एक दिन का पहले समय यहां पर नामांकन के लिए उम्मीदवारों को दिया जाएगा। ऐसे में कभी भी अब लिस्ट आ सकती है और इन चार नामों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति साफ कर सकती है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।